बोला छतरी जिम करेंगे, स्विमिंग करेंगे, बकरियां लानी। कोशिश करूंगा कि वजन थोड़ा कम कर देंगे और फिर आते जाते मिलते रहेंगे। हाँ जरूर, ठीक है, अगर ऊपर वाले की दुआ रही। नहीं नहीं, हम ये लोकल जिम में 3 दफा, आपने 3 से 4 दफा जिम में आना, जिम में आना हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले जो बात की है आलू के पराठे, प्लस के बाद जो है आलू के पराठे एक दिन एक दिन। प्रॉब्लम क्या है, मैं शेफ हूँ। अच्छा अच्छा, शेफ तो फिर हो जाता है खाना पीना, है ना। फिर कंट्रोल करूँगा, ठीक है। आपने क्या करना है, शेफिंग करते हैं 12 घंटे के लिए मुंह में कुछ चीज़ नहीं जाएगा। 103 किलो वजन है मेरा, मैं कम करूँगा। अभी भाई साहब ने बताया है ना, क्या फाउंडर मेंबर बनने वाले हैं, है ना। ये बात है, फर्स्ट मेंबर फाउंडर, फाउंडर भी कर सकते। सबको नमस्कार, फिर से एक बार सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो वेलकम टू ऑल माय चैनल। तो आज कोई कुकिंग नहीं होने वाली है, ना ही कोई गार्डनिंग होने वाली है। आज हम जा रहे हैं जिम ज्वाइन करने, और मेरे घर से कम 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे सैनुअल एक्वाटिक सेंटर खुला है, जो कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए खुला था। और आज मैं और हमारे साथी जो कि शेफ हैं, और सभी को पता है कि शेफ कितना बिजी रहता है, हमेशा भागता दौड़ता रहता है, लेकिन हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो बहुत कम होती है। तो हमने सोचा कि आज हम जिम ज्वाइन करेंगे, और मेरे किचन गार्डन में फर्स्ट क्लास सब्जियां उग गई, फूल उग गए, और इसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। और अब सीधा चलते हैं हम सीधा सैनुअल एक्वाटिक सेंटर में। सभी दोस्त लोग आने वाले हैं, और मैंने अपनी छतरी तान दी और चलता हूँ सीधा सैनुअल एक्वाटिक सेंटर में। और आज मौसम भी बड़ा सुहाना हो रखा है, और अभी हो रहा है 10:30 और 11:30 बजे हमारा आज इंडक्शन है। बारिश भी ज़ोर ज़ोर से आ रही है, और यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे। ये लाइट भी इन्होंने अभी लगाई ताकि जो जिम में जाएं उनके लिए सुविधा हो। और ये सामने ये लाइट किसी ने तोड़ दी शायद, या तो ये ओवरटेक करने के चक्कर में या ओवर स्पीड के चक्कर में ये खंभे पे मार दिया और टेढ़ा कर दिया। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए। और सामने दिख गया हमारा सैनुअल एक्वाटिक सेंटर, और यहाँ पे अभी काम भी चल रहा है, पूरा सिस्टम से बना रहे हैं। और भाई लोग भी आ गए। नमस्कार नमस्कार, भाई लोग आ गए। मैं बोला मैं आता हूँ यहाँ से, इसका आके व्यू करके आता हूँ, वहीं रहना, ठीक है। मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे जो लाल लाइनिंग है ये अभी इन्होंने डाला जब ये एक्वाटिक सेंटर बना। जिप वाली है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, ना शॉर्ट स्टे यहाँ पे रुक सकते हैं, ना पार्क कर सकते हैं। और ये जो जेब्रा क्रॉसिंग अभी बनी यहाँ पे ताकि लोग आसानी से आ जा सके। तो ये है इसकी मेन एंट्रेंस, और यहाँ पे जिम के सामने एक हम यहाँ पे बना दिया और एक वहाँ पे बना दिया, बीच में जेब्रा क्रॉसिंग, ताकि लोग अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रखें। और ये काम चल रहा है अभी, और ये हम पहुंच गए सैनुअल एक्वाटिक सेंटर। यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए है ये गेट, और साइकिलिस्ट के लिए है। गाड़ी की एंट्रेंस है, और ये बना रखा बहुत ही जबरदस्त, पेड़ से बना रखा ये डेकोरेशन पीस। अभी शायद इसे पेंटिंग वेंटिंग करेंगे। पांडे जी
और ये नोटिस लिखा है यहाँ पे 10 की स्पीड में यहाँ पे गाड़ी रखनी है और 400 गाड़ियों का कार पार्क है यहाँ पे। और पांडे जी पहुँच गए। अरे पांडे जी नमस्कार, पहुँच गए पहुँच गए। अरे वाह, जिम के लिए तो एकदम जवान दिख गए यार। वाह फिट एकदम है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एकदम एक्साइटमेंट हो रहा नहीं हो रहा? बहुत ही एक्साइटमेंट, वर्ल्ड क्लास जिम है, हम आना चाहते हैं स्विमिंग के। मैं पहले भी आया था यहाँ पे। अच्छा, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल भी यहाँ पे है, बहुत अच्छा है, बहुत ही एक्साइटेड है। आज पहला दिन है, हम पहले दिन आना चाहते हैं और फ्रेंड लोग भी आ रहे हैं। माइक फिट करता हूँ क्योंकि आवाज नहीं आएगी, तो माइक लगा देता हूँ यहाँ पे। तो आप बताना कि आप बता रहे थे ना कि मैं यहाँ पे आया घूमने, घूमने आए या देखने आए थे? मैच देखने स्टार्ट हो गया। हाँ स्टार्ट हो गया। स्टार्ट तो पांडे जी माइक फिट हो गया अभी, बोलो आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। थोड़ा इधर हो जाओ। हाँ ये मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें आने के लिए। और इससे पहले भी हम कॉमनवेल्थ गेम आए हुए थे, यहाँ 3-4 मेडल्स, इंग्लैंड मेडल जीती हुई थी। हमारे इंडिया वाले तो इतना ज़्यादा नहीं जीत पाए, बट बहुत अच्छा था, बहुत वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल्स है। एंड बेसिकली ये कॉमनवेल्थ के लिए खुला था ना, कॉमनवेल्थ गेम के लिए खुला हुआ था। और मेरे ख्याल से हमारे कम्युनिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हम तो वैसे किचन लाइन में से है ही, सर्विस लाइन में है, सर शेफ लोग हैं। देखो तो शेफ और आगे और शेफ भी आ रहे हैं वहाँ पे। अरे वाह, अरे भाई, अरे वेरी गुड भाई। तो आज जिम ज्वाइन कर रहे हैं? जिम ज्वाइन कर लिया ये। अच्छा, तो अपने घर के नजदीकी है जिम। जिम अच्छा भी है, बहुत बड़ा है, अच्छी फैसिलिटीज है, पार्किंग की भी है और इसमें स्विमिंग वगैरह सब कुछ है। अच्छा, स्विमिंग सोना वगैरह, ये बहुत अच्छी चीज़ है और स्पेशली हम लोगों को तो करनी चाहिए, शेफ लोगों को। हाँ शेफ लोगों को, क्योंकि हमारा भाग दौड़ हमारा इतना होता नहीं है। रनिंग वगैरह जो भी अपने हेल्थ से रिलेटेड, हाँ यहाँ पे आके ज्वाइन करो और अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। तो भाई ने बिल्कुल सही बताया कि जो हमारा शेफ लाइन है, हम भागते दौड़ते तो बहुत हैं पर प्रॉपर वो एक्सरसाइज होती है और खाना भी हमारा टाइम बिटाइम हो जाता है। कभी होता है कि भाई बिजी हो जाते, खाना खाने को नहीं मिलता है, रात को भूख लगती है, रात को खाएंगे तो फिर तोन तो बाहर आएगी ना। खैर तेरे तो नहीं है, चलो तो आपका क्या विचार है इसमें? नहीं मैं तो बेसिकली वैसे मुझे स्विमिंग करने आया हूँ यहाँ। स्विमिंग? हाँ। तो अच्छा, वैसे फिट है? वैसे तो देखो हमारा है। अच्छा, वैसे तो भगवान की दया से फिट ही है। जब चार उठक बैठक लगा जाए, उठक बैठक लगा जाओ, उठक बैठक क्यों लगा जाए ना, पांच जींस पहनी, गीला हो जाएंगे ना, बारिश हो रही है, क्या गीला हो जाएगा? गीला तो नहीं है, क्या है, मैं स्विमिंग करना और मेन एक्सरसाइज भी वही है बेसिकली देखा जाए तो। एक्सरसाइज स्विमिंग, स्विमिंग प्रॉपर कर लीजिए ना। साइकिलिंग? साइकिलिंग हां जी, है ना, थोड़ा एक्टिव रहे सर, अभी हमारी एज ही क्या, हम लोग थोड़ा फिट रहेंगे। तो अभी 35 ही है, ज्यादा तो नहीं है। नहीं यार अभी 26 का लग रहा है। फिट रहेंगे तो कार पार्किंग बहुत बड़ी कार पार्किंग है, बहुत अच्छी पार्किंग, बड़ा नीट एंड क्लीन। आज तो खैर वेदर बड़ा अच्छा नहीं था, बहुत रेनी वेदर हो रहा है, पर देखो ये मौसम तो बदलते रहे, मौसम तो बदलते। देखो एक साइज के पेड़ लगे हुए हैं, कितने जबरदस्त पेड़ लगे हुए हैं, ठंडी हवा यहाँ पे मिलेगी बाद में। तो भाई लोग के साथ पहले यहाँ पे एकदम वो था, एकदम बंजर सा पार्क था, बिल्कुल बंजर पार्क था ये, कुछ भी था नहीं। हाँ पार्क, जस्ट पार्क था, ओनली पार्क है। और ये कॉमनवेल्थ के लिए बनाया है ना, कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 22 के लिए बना हुआ है। इसको बोलते हैं विकास, विकास है, बहुत अच्छा विकास है। नीचे पीछे फुटबॉल पिच बना रखा है, बहुत बढ़िया फुटबॉल पिच भी यहाँ पे। अब एक दफे कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुए थे, दिल्ली में, हाँ 2010 में नकली फ्लैट बने हैं, ये बने। देखो ये है असली काम है ना, यस यस, एकदम ऑफिस पब्लिक भी इसको यूज कर रही है। मेरी समझ से ना, जितना यहाँ पे एरिया दिख रहा है इसका, ऐसा लग रहा है कि अंदर उस जो क्या बोलते उसको यार, जिसमें भागते हैं भाई, विष्णु ट्रेडमिल, ट्रेडमिल में भागने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, और भागो घर से आओ ना, एकदम नेचुरल ना, नेचुरल प्योरली नेचुरल से। और आगे नीचे अंदर जाओ, हाँ आगे स्विमिंग करो, स्विमिंग करो, हाँ और कुछ नहीं करना, स्विमिंग मैन है। हाँ तो ऐसा है कि जो सारी गेम्स है, यहाँ पे गेम्स हैं, स्विमिंग है, सोना है, फिजिकल से रिलेटेड सब कुछ है। अच्छा तो दूसरी बात यह है कि अभी हमारे साथ तो खाली एक जवान लड़का यही है, बाकी पांडे जी हमारा ऐसा कि जो हमारी उम्र अभी हमारी उम्र आगे आगे बढ़ रही है, थोड़ा अपना बॉडी को रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए ज्यादा उठाएंगे तो अभी देखो तू लोग इंडिया में अपने फिटनेस के चक्कर में ओवर, उसके में कितने लोग, कितने स्टार लोग मर गए, हां बहुत सारे, हां सही बात है। क्योंकि आप फिट रहोगे तो फिट रहेगा यूके, फिट रहेगा। ये देखो फुटबॉल पिच आ गया है, ग्रीनली करा रखी है, वाओ यार क्या जबरदस्त फुटबॉल पिच है। तो गुरुजी इसके गोल खा मारेंगे, अभी बनाएंगे पूरा गोल पोल बनेंगे, अभी गोल कोर्स बनेंगे और ये सारे अभी बनेंगे।
अभी स्टार्टिंग हो गया पूरा, इतना अच्छा ग्रीनली घास हो गई है। पिंक, हाँ फर्स्ट क्लास फ्लावर है ना, फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे एंट्रेंस। नहीं नहीं इतना ही होता है, इतना बहुत फुटबॉल इतना ही होता है, फुटबॉल इतना बड़ा ही होता है। क्या आप पहले फुटबॉल खेलते थे क्या? नहीं फुटबॉल तो हमने खेलते नहीं है, लेकिन हाँ देखा हुआ है फुटबॉल खेलने के लिए। हम तो ऐसे इंडिया से तो क्रिकेट का ज्यादा शौकिंग है। गेम होते आप तो देखने आए थे यहाँ पे? यहाँ पे सारे स्विमिंग के गेम्स हुए थे, अराउंड 84 मेडल्स यहाँ पे थे, जिसमें से इंग्लैंड, हम सपोर्ट तो इंग्लैंड का कर रहे थे, बट इंडिया हमारे गेम्स कौन कौन थे? ओनली स्पोर्ट्स और स्विमिंग के थे। एक 50 मीटर स्विमिंग थी, 100 मीटर स्विमिंग थी। बताओ यार, अब हमारा टाइम क्या बनता है? सब्जी बनती है, काबली बनती है, जिम के बाद हरी सब्जी जरूरी है। अरे अब हमारा टाइम हो रहा है हाफ इलेवन का, हाफ इलेवन हो रहा है। हमारा टाइम हो रहा है, ये एरिया बाद में दिखाएंगे, ये एरिया बाद में दिखाएंगे, हमारी साइड विजिट का टाइम हो रहा है। आपने फिर कैसे क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे आप? अभी तो हम स्विमिंग ही करेंगे, फिर बाद में जिम। हमें तो स्विमिंग आती भी नहीं, हमारे पास बिष्णु भाई है हमें सिखाने के लिए स्विमिंग के लिए। अच्छा। और धनपाल भाई हमारे प्रधान साहब आने वाले हैं। अच्छा। कल तो प्रधान के चुनाव भी है, चुनाव भी हमारे है। कितने बजे वोटिंग? वोटिंग मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगी 6:30-7 बजे से हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग बागेश्वर धाम बाबा मंदिर भी जा रहे हैं। अच्छा, बागेश्वर भी जा रहे हैं, बागेश्वर धाम लेस्टर में, लेस्टर पे जा रहे हैं। तो सब अपनी अपनी गाड़ी। और कल कल चुनाव है, कल चुनाव भी है 7 बजे। ये यूके में पहली बार मतलब रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है कि यूके देवभूमि ट्रस्ट का, यूके देवभूमि ट्रस्ट का पिन पर मोड़ लगेगी दौलत सिंह पर। ये हमारा चक्का, ये नहीं नहीं हमारा पूरा चक्का। बात सुनो, वीडियो तो मैं रिलीज बाद में होगी, बाद में होगी तो कार नहीं था लग चुकी है। इसके बाद ना वीडियो तो एक हफ्ते बाद आएगी, लेकिन मुझे खुशी है कि जैसे दो बन गए थे ना यूके देव भूमि और अब एक हो जाएगा। तो अगर हम उठे हैं प्रधान के लिए एक, लेकिन हमारे जीत में भी जीत है, हार जीत है, क्यों है? क्यों एक हो गए, एक हो गए। पता क्या होता था, जब लोग बाहर से फोन करते थे लेस्टर से, लंदन से, वहाँ से, प्रोग्राम है यहाँ पे, कोई गैदरिंग है, तो और बोला नमस्कार नमस्कार जी पहुंच गई। तो पता क्या होता कि जब लोग फोन करते थे भाई यार वहाँ पे ना प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ पे? बर्मिंघम में। तो बोलते थे किसका हो रहा है, उनका हो रहा है तुम्हारा हो रहा है? भाई उसमें ना यहाँ चुपता था, चुपता बुरा लगता था कि इसका है तो उसका है। गधेरे में कभी मच्छी मारी? नहीं गधेरे तो नहीं मारे सर, गधेरे मच्छी मारते हैं गांव में तो स्विमिंग तो उसको आती है एकदम, स्विमिंग में आते हैं गधेरे, मच्छी अच्छी तो देखी है मारने के लिए। तो आपने मारी गोदा पर है, इन्होंने मारा और इन्होंने मुर्गियां भी बहुत मारी है। अरे नहीं बात हो रही है स्विमिंग की ना, मुर्गी क्या तालाब के अंदर थोड़ी मिलती है? मुर्गी कहाँ मिलती है? मुर्गी तो बाहर मिलती है, तालाब में तो मिलती नहीं है। प्रोटीन है, प्रोटीन जरूरी है। खाली खाली मुर्गी, मुर्गी के साथ साथ बोतल लोगे ना तो प्रोटीन नहीं है, फिर पेट आ जाएगा, पेट आ जाएगा। हाँ देखो पेट आ गया, अभी बाहर पेट आ गया। तो आई होप कि सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे, हमारे जस्ट फन है यादगार के लिए हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। और जो जब पाने जी एकदम स्लिम एंड ट्रिम बन जाएंगे, जब बजरंगी भाईजान बन जाएंगे ना, तब हम इनका वीडियो रिलीज करेंगे और देखते हैं कितना फिट होता है, कितना फिट होता है, देखते हैं ट्राई करते हैं फिट होने के लिए। पांडे जी अपने सारे काउंसिल वालों की तरफ से बना हुआ है ये कॉमनवेल्थ गेम के लिए बना हुआ था 2022 के लिए। आज हम पब्लिक के लिए खुल रहा है, 24 तारीख से खुलने वाला है और हम बड़े एक्साइटेड हैं आने के लिए। तो भाई लोगों अंदर अब जाते हैं, इंडक्शन का टाइम आ गया, इंडक्शन का हमारा टाइम आ गया, आधे घंटे के बाद मिलेगा मौका तो करेंगे करेंगे। हाँ लाइन लगी हुई है, और जो बुकिंग करके हमने ऑनलाइन करके ऑनलाइन और भी चेक कर रहे हैं, हम लाइन में लगे हुए हैं और दिखाएंगे, टेनिस कॉर्नर दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, कैफे भी यहाँ पे बना हुआ है और सारी पार्किंग तो आप ये देख लिया और सामान भी ले सकते हैं मेरे ख्याल में आप ना, क्योंकि सामने स्विमिंग के लिए रखें देखते पहले क्या क्या। आज आज दिखाता हूँ तेरे पास जी, एक मिनट आ रहे हैं लाइन के, ये तो बच्चों के लिए है, बच्चों के भी है, पहले कौन से लेना, ये वाला ले ले, बड़ों की भी है, ये बड़े वाले है, देखो कौन से लेना, देखते हैं कौन सा लेना, पहले साइड टूर करते हैं, पहले आधे घंटे को बताएंगे क्या क्या करना हम लोग।
सामने बैठे थे ना लोग सब ना, नहीं सब लोग ऊपर बैठे हुए थे, हम तो बिल्कुल नीचे, हमारा नीचे नंबर था जब हम गेम देखने आते। ये दो स्विमिंग पूल्स हैं, दो ही हैं कि तीन? आप तीन कर रहे हैं, एक और है यार, एक और है, मेरे ख्याल दो ही है। नाम दौलत सिंह, एस आई जी सिंह। That one, okay? Yes. Lovely. Thank you. If you just want to go up the stairs to your right, okay. Take a seat on the back of the road. Thank you. ये यहाँ पे ना जो इंस्पेक्टर, अगर आपने करना है जिम के, स्विमिंग के, है ना? हाँ, स्विमिंग के बारे में पता करना पड़ेगा हमारे को ना। हाँ। क्या क्लासेस है, क्या चार्जेस है। हाँ। सीखने के लिए ना तो वो पता करते हैं अभी, बाकी तो मेन स्विमिंग का ही है। ये जो स्विमिंग पूल है ना। हाँ। ये बहुत लंबा था। हाँ। ये इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड करा हुआ है कॉमनवेल्थ के लिए। तो भाई यहाँ से लोगों ने देखा था स्विम में ना, तो पांडे जी भी आए थे यहाँ पे, विष्णु आप भी आए थे ना यहाँ पे? एक बार आए थे मैं। कहाँ बैठे थे आप? उधर ही बैठा था मैं, कहाँ पे? सेकंड रो, तो सेकंड रो में है। तो ये स्विमिंग पूल तो बड़ा होगा, पहले लंबा था, स्पेशली गेम्स के लिए था वो। हाँ हाँ। फिर इन्होंने ये डिवाइड करा हुआ, डिवाइड कर दिया ना। हाँ, अभी दो बना दिए हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा है, देखो बहुत प्यारा है। और मेरे ख्याल में जो है डाइविंग होती थी वो सामने से होती थी ना? हाँ, वो सामने वो बना रखे, पार्ट बना रखे ना, कितनी हाई जम्प उसके ऊपर, बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत अच्छी है चीज, बच्चों का भी है, बच्चे भी कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है ये। बल्कि बच्चों ये भी पूरा पानी था पहले। हाँ। नहीं, पूरा पानी था, पूरा बनाया था। तो ये बहुत अच्छी है, अंदर देखो टेम्परेचर भी अपना मेंटेन कर रखा अंदर टेम्परेचर इंडोर का। और ये तो देखो पार्किंग भी है इधर, पार्किंग अपनी गाड़ियाँ तुम लोग देख सकते हैं यहाँ से, व्यू भी देख सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, पार्किंग एरिया है। विष्णु देखा हमारा घर दिख रहा सामने, थोड़ा पड़े जंग मारे आपके घर पे मिले गाड़ी का, कम से कम 400 गाड़ियों का है, 400 गाड़ियों का है यहाँ पे, आप पार्क कर सकते हो। बस का भी है यहाँ पे, बस भी पार्क है, और किसी में इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार के लिए भी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ है। अच्छा। हाँ, वो भी है यहाँ पे। क्या विचार है लेने का भी? वो लेनी चाहिए वैसे, ज़्यादा आने वाले टाइम के लिए बेस्ट है, जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो भाई लोग खाएंगे अभी, लोग वेटिंग कर रहे हैं अभी, हमारे को इंस्पेक्टर आएगा, वो साइट टूर करवाएगा। तो ये हमारा पूरा ग्रुप है, हमें दिखाएगा अभी कहाँ कहाँ क्या करना है। हमारे और भी बंदे मिसिंग है, और वो सामने लाइफ गार्ड बैठे हुए हैं, उधर भी इधर भी, बहुत ही मज़ा आ रहा है। उसमें गर्मी हो रही है यहाँ पे। हाँ, मेंटेन कर रखा ना टेम्परेचर। अच्छा, जिम ऊपर है जिसमें, देख धीरज भी आ चुका है। अच्छा, और कौन कौन आया बंदा? एक ग्रुप आ गया। भाई पहुँचे, तुमने क्या सीखना है, क्या करना है, बॉडी बनानी है कि स्विमिंग करना है? ओनली वाटर, ओनली वाटर मींस स्विमिंग, स्विमिंग मींस यू शुड अंडरस्टैंड मैन, वाटर वाटर तो बाहर भी है, बारिश हो रही है। ये हाथ देखा गरम पानी पी कहां? अच्छा, ओ स्विमिंग आती है? एक ग्रुप में हो जाए यार, मैच मैच पकड़े भाई लोग, अरे ग्रुप फोटो डिलीट हो जाती है, वीडियो नहीं होती कभी यार, जब दिल करे उनका भी देख लेना ना यार। सब्सक्राइब किया तुमने चैनल के? चलो सब्सक्राइब करा कर रखा ना। हां, तो फिर अच्छा, तो हाँ विष्णु बहुत बढ़िया, कुछ भाई लोगों से कुछ है? हाँ भाई, कैसा लग रहा है भाई, क्या करना फिर आते ही? स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह खरीद लिया अपनी? बात सुन, इंदर बड़ा खुश हो रहा था कि मैं स्विमिंग करूँगा, अंदर स्विमिंग पूल देखकर डर घबरा रहा है वो, देख पानी काफी गहरा है, हैं 8 फीट का होगा पानी, काफी गहरा है 8 फीट। अब हमको सीखने आया, पर हमें तो आता नहीं है, सीखने आया। अच्छा, सीखने बात करो, मेरे को आता है, आता है देखा पांडे जी? हाँ? भाई कह रहे थे मेरे को आता है, आता है। ना ना, ये काली डर है, इसको स्विमिंग पूल देख के घबरा गया, उत्तम ही देख ले हैं? नहीं, उत्तम को तो आता है स्विमिंग। नहीं नहीं, इंदर घबरा गया स्विमिंग पूल देख के, कह रहा अंदर, कह रहा सीखूंगा, पर बाहर कहते मेरे सब आता है। कोई बात नहीं, मैं हूँ उसके साथ। भाई लोग हैं सिखाने वाले, क्या करें, सेल्फी लेनी, सेल्फी यहाँ पे सही रहेगा, देखो। हाँ एकदम, चलो आ जाओ भाई, सेल्फी लेनी। अच्छा पांडे जी, जब आप आए थे विष्णु तो यहाँ बैठा था, हैं विष्णु तुम यहाँ बैठते हो? आप कहाँ बैठे थे? नहीं नहीं, हम तो उस साइड में नॉर्मल लगा रखा था उस साइड पे, तो वहाँ भी स्विमिंग पूल आ गया उधर? नहीं नहीं, स्विमिंग पूल नहीं है। हाँ, उधर टेम्परेरी सीटिंग बना रखी थी बिकॉज। अच्छा, उधर से उधर भी जैसे सीटिंग ये है। अच्छा, तो मीडिया वाले थे। अच्छा, मीडिया तो
पर मैं जिम ज्वाइन नहीं करूँ, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिम, वन ऑफ द रीज़न है स्विमिंग, स्विमिंग हाँ रीज़न स्विमिंग है, और स्विमिंग में बहुत लाइक करता हूँ, और शेफ लोग हम चलना फिरना बहुत लोग और हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हुए अच्छा मैं चाहता हूँ कि स्विमिंग ये बॉक्सिंग का है नहीं सिखाएंगे बोल है हम बास्केटबॉल बोलता हूँ बास्केटबॉल खेलने आते बोला ना भाई ये तो नहीं अच्छा अच्छा है ना इंदर बास्केटबॉल खेलना आता है नहीं आता कब आता है इसके लिए अच्छा है यार जैसे बारिश होगी यहाँ पे तो बर्फ बर्फ जब बॉल नहीं होगी जब बॉल नहीं होगी इंदर भाई को उठा के डालना इसके जो कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे ना जो डिविंग होती थी वहाँ से होती थी है ना अरे सामने स्कोर बोर्ड था ना स्कोर बोर्ड होगा ना वहाँ पे सामने विष्णु स्कोर बोर्ड सामने था ना सामने ऊपर जा रहे जिम के जिम चेक करना है कितने हाँ। क्या क्या इक्विपमेंट है इनके पास अच्छा कितनी वैरायटी है व्यू भी बड़ा अच्छा है यार इसका नहीं कितनी वैरायटी है इनके पास अच्छा ये ना मशीनें कितनी हैं अच्छा बैक साइड है जिम का बैक साइड है वहाँ तक तो हम आए थे ना वहाँ तक आए थे ये बैक साइड है ये देखो हरियाली भी देखो आंखों को भी अब इसमें मजे की बात यह है पांडे जी कि ये लेडीज जिम सेपरेट है और जेंट्स का तो आज ही चले जाओ आज ही अलाउड है जाना उसके बाद नहीं तो आज देखो बाल सुखाने के लिए भी आदमियों के लिए होगा ड्रायर है ना हेयर ड्रायर नहीं एक्चुअली मैंने माइंड चेंज कर दिया पानी बहुत गहरा था और तो इतना तो कहते ना जाने तो जाने का होते तो मैं सोचा वो जिम ही करूँ वो ठीक है फिटनेस जिम में वाओ हाँ विष्णु क्यूमेंट अच्छे हैं ना उस टाइम पे वी आई पी रूम होगा है ना वी आई पी रूम लोग यहाँ से देखते होंगे ना जरा अपना वेट वेट चेक करो जरा किसका वेट कितना है ये वेट चेक करने का है नहीं चल ओ बाबा 85 तो ये है 85 पांडे जी का वेट देखते हैं एक महीने बाद कितना होता है क्या उत्तम भाई कितना है ओ यूज द हैंड 84 है उत्तम भाई का चलो इंदर भाई का मुझे कहते हैं कि तेरा 78 होना चाहिए 78 तो आपका कितना 2 किलो ज़्यादा है मेरा कभी 78 भी आ जाता है मैं 3 महीने से एक्सरसाइज नहीं कर रहा अच्छा और मैं देखूँगा अपना आप अपना देखो ना आप 104 ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा है 104 मेरा है 104 kg तो भाई मिले मेरे को मेरी बात सुनो जब आप 50-60 के हो जाते हो ना हाँ जी तो फिर एक्सरसाइज से वजन नहीं कम होता फिर खाने से कम होता खाने से तो आपने क्या करना है कि अपने खाने का ध्यान करना है जी जी तो खाने को आपने कम करना है और इस चीज़ को नीचे लेके जाना है जी 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 ये आपका 20 किलो इसी में बैठा हुआ है ना तो हमारे भाई मिले बहुत ही अच्छे इंसान हैं भाई आप नाम बताओ जरा प्लीज मेरा नाम बकार है बकार भाई मिले और भाई ने सलाह दी कि मेरे को कम से 20-25 किलो कम करना है 15 से 20 ओके और खाने पीने पे ध्यान रखना है खाने पे खाने मैं 55 हूँ तो आप भी 55 हो वाह आप तो अभी 25 लग रहे हैं नहीं वाइट तो आज बिल्कुल तो भाई बहुत अच्छा लगा भाई जान आपसे मिल के
और मुलाकात हुई जिम में। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, एकदम फिट हैं। तीन दफ़ा तो देखते हैं अब मेरा वजन कितने कम होगा। भाई मैं कोशिश करूँगा कि वजन थोड़ा कम करने की, और फिर आते जाते मिलते रहेंगे। हाँ ज़रूर, ठीक है, अगर ऊपर वाले की दुआ रही। नहीं नहीं, अब ये लोकल जिम में तीन दफ़ा, आपने तीन से चार दफ़ा जिम में आना है। जिम में आना हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले जो बात की है आलू के पराठे प्लस के बाद जो है ना आलू के पराठे एक दिन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग शेफ हैं, मैं शेफ हूँ। अच्छा अच्छा, तो शेफ का फिर हो जाता है खाना पीना, वो है ना, फिर कंट्रोल करूँगा। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर शेफिंग करती हो ना तो 12 घंटे के लिए मुंह में कोई चीज़ नहीं डालना। 12 घंटे के लिए ना आपने क्या करना है कि शाम को 6 बजे खा लिया, सुबह 8 बजे नहीं खा। बिल्कुल सही आइडिया भाई ने, थैंक यू भाई, फिर मिलते रहेंगे। क्या लगे, बोले प्यास लगी, पानी पानी तो ना यार। अब मेंबरशिप कार्ड मिलेगा कहाँ पे, कौन फंस गए स्टूडियो पूल में, कोई आया वहाँ, आने वाला पांडे जी, कौन फंस गया, इंद्र मोहन जी है। अरे कैसे फंस गए, हो गया अरे लॉक हो गया, अभी फंस गया यार, तो बंदा क्या हो गया, पहले दिन फंस गया यार, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे भाई, एक चश्मी में वहाँ चला गया था वॉशरूम में, हाँ दरवाजे खुला नहीं, डोर बंद हो गया, हमने सोचा डोर खुल जा रहा है वो तो ऑटोमेटिक नहीं है। ये बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं, पास में आएंगे जैसे कोई फंसने जाएगा, वॉशरूम जाएगा कहीं, गाड़ी नहीं दे रहे बैठा ले, कुछ देंगे कुछ तो बैंड दे रहे नहीं बता रहे, ये डिजिटल ब्रांड है, जब भी आओगे इन और आउट के लिए आपके लिए रहेगा, कार्ड नहीं, डोर एक्सेस कर लेंगे, कार्ड नहीं। तो हमारा इंडक्शन हो गया और हमें मिल गया ये क्या बैंड मिल गया, और यहाँ पे मेरे ख्याल में ये बैंड ही दिखाना, कार्ड वाला नहीं है, टच करना है बैंड मशीन में। भाई मजा कैसा लगा, अच्छा अच्छा लगा, तो बहुत अच्छी। तो आपका फेवरेट गेम क्या है? मेरा तो बैडमिंटन है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने बैडमिंटन खेलना है। मुझे भी ये लगा कि मैं बैडमिंटन खेलना है, क्योंकि यहाँ पे ना वेदर ऐसा है, कभी बारिश होती है कभी बर्फ पड़ती है, बैडमिंटन खेलेंगे आराम से, ठीक है, एक ही गेम खेलेंगे। और बोला उत्तम आपका? मैं स्विमिंग, हाँ हाँ, माछा पकड़ूंगा। इतनी बड़ी बड़ी मछली थी, जो डूब रहा है उसको बचाऊंगा। वेरी गुड। अच्छा पांडे जी डूबेंगे इन भाई जी। मेरा तो है जिम, स्विमिंग और बैडमिंटन, इंडोर गेम। अरे वाह, तो ऐसा काम करेंगे कि मेंबरशिप है ना 10 पाउंड की 9 पाउंड की, तो एक बंदा आप ला सकते हैं बिल्कुल अपने साथ, तो बस जब मन किया आ गया है ना खेलने के लिए। और बोला छतरी, हम जिम करेंगे, स्विमिंग करेंगे, स्विमिंग वाले बकरियां लानी है, वो बता, वो स्टूडियो वाले में करेंगे क्योंकि स्टूडियो में पानी कम है, वो हमें अच्छा लगा। एक बार बता वहाँ, अगर अभी कहाँ फंस गया था तू? अभी मैं एक्चुअली वॉशरूम गया था मैं एक्चुअली में ना, तो मुझे मालूम नहीं कि डोर बंद हो जाएगा। अच्छा तेरे को ये नहीं मिला था ना, वैन नहीं मिला था, वैन नहीं मिला तो मैं फंस गया। कैसा लगा तेरे को वहाँ, कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस मिला लाइफ में। तो बाथरूम फंस गया, अभी तो साफ सुथरा है वो। है? अच्छा
तो तुम्हारे सांस बंद तो नहीं हुआ? ना ना ना। अच्छा। जवान आदमी हम कोई बूढ़े थोड़े हैं। किसी तरह यहाँ तो बूढ़े बूढ़े लोग आ रखे हैं। मैं बूढ़े क्या मेरी तरफ देख रहा है? अच्छा नहीं 103 किलो वजन है मेरा, मैं कम करूंगा। अभी भाई साहब ने बताया मेरा है 85 है मेरा। अच्छा अच्छा। और इनका तो बहुत मजा आ गया भाई ना, उसको भी मैंने 70 में लेके आना है। हाँ बोला है ना। और धन्यवाद आज का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दौलत भाई आपका, बहुत धन्यवाद। और भाई को बड़ा रोमांचक बनाने का, रोमांचक भाई मजे की बात होता क्या, हम इसके ना क्या फाउंडर मेंबर बनने वाले हैं। वो बात है ना विष्णु? हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। फर्स्ट मेंबर फाउंडर फाउंडर भी कर सकते हैं, फाउंडर भी कर सकते हैं, फाउंडर मेंबर बन गए। तो हमने चांस नहीं गवाया, चांस हमें मिल गया आज, एकदम यादगार हो गया है ना। अभी आ रहे हैं, फिर वो बनाते रहेंगे जब फिटनेस चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मैं चलता हूँ पैदल। अरे हाँ चलो है, बाय बाय बोल दो भाई। हाँ चलो उत्तम बाय बोल दे।